और बताना पहले प्लीज। और अपने घरों को भी प्रोटेक्शन रखें। तो वो दूसरी है कि आज कांगड़ी का मसला है, जो हम यहाँ से अभी बिस्तर के अंदर कांगड़ी लिया या इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट ली है, उतना ही बिस्तर गर्माओ जितना चाहिए। प्रॉब्लम हो जाती है कि ये तीन, अब यहाँ क्या करना है, हमें बकेट उठाना है किचन से, फिर बुझाना है। बुझाना कैसा है, यहाँ से कट ऑफ ऑक्सीजन, देखो ट्रायंगल फायर, ये ट्रायंगल फायर लगा हुआ है। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने कट किया है ऑक्सीजन, उठा बेटा, ये ऑक्सीजन हमने कट किया है। इससे क्या हो गया है कि आग बुझ गई है। अब तीसरा ये है कि फिर आग लगे, जब से हमारे पास बाकेट नहीं है उस वक्त हमारे पास कर्टन है, पर्दा है, या कोई दूसरा कोई कंबल होगी नीचे से, वो पानी में भिगोना है। पानी से भिगाने के वक्त, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर वो कम हो जाता है, तभी तो हमने लगाया। यहाँ से देखो आराम से हमने क्या किया, हमने यहाँ से फिर ऑक्सीजन कट ऑफ किया है। हम महकमे फायर एंड एमरजेंसी JKUT से, जनाब डी जी साहब के हुक्म से आलोक कुमार और जनाब असिस्टेंट डायरेक्टर फायर एंड एमरजेंसी बांडीपोरा हेडक्वार्टर से यहाँ पर प्रोग्राम मन्नत करने के लिए तहसील सुमल सोनावारी में आई है। आज हमारी अवेयरनेस ये है कि जो आग ज़्यादा लगती है, इसके बारे में हम, हमारा जो प्रोग्राम अभी चल रहा है कि आगों में जो आग लगे हुए होते हैं इससे पहले, इसमें पूरा कमी आ रही है। क्योंकि जो हमारी अवेयरनेस है, जैसे कि अभी डैमेज होती है, विंटर का मौसम है, अभी हमारे गैस है, अभी हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स है वगैरह है, जिससे आग ज़्यादा लगती है, और कांगड़ी टर्न हो जाती है उससे भी आग लगती है। लोगों में हम यही जागृति अवेयरनेस देते हैं कि कैसे सुझाव आपको, जो अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी, लाखों की प्रॉपर्टी है, एक छोटी सी चिंगारी को बड़े आग में तब्दील होने से बचाते थे। दूसरी तो, वेंटिलेशन होनी चाहिए, हर एक कमरे को वेंटिलेशन होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो जितना ऑक्सीजन जलेगा उतना ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन आएगा। ये मेहरबानी है कि आज जो इंसान की लाइफ है ये दोबारा नहीं बनती है। सेव, वी सर्व टू सेव लाइफ एंड प्रॉपर।